Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I welcome you all to another session on Paper 2 Commerce and Management. तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जिस सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत चैलेंजिंग लगता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है. बट लेट मी एश्योर यू कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये कंसेप्ट समझाऊं, ताकि ये जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जो कि स्टैटिस्टिक्स है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए. और एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में अच्छी पीएचडी करना चाहते हैं, अच्छी पीएचडी का क्या मतलब है, आप ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं जो बहुत अच्छी जगह आपके रिसर्च पब्लिकेशन जो बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स में हो, एंड आप रिसर्च में एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं रादर देन जस्ट टेकिंग अ डिग्री, तो मैं आपको बता दूं उस सिचुएशन में स्टैटिस्टिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे लेवल की रिसर्च कर पाएंगे. स्पेसिफिकली अगर आप डेटा के साथ काम करना चाहते हैं, अगर आप सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा के साथ काम करना चाहते हैं, उसके बेस पे इंपिरिकल रिसर्च करना चाहते हैं, यू डू नॉट वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ जस्ट बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल वर्क, तब आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आनी ही चाहिए, तभी आप अच्छी रिसर्च कर पाएंगे. ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि हमने अपने सेशन ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं. द सेशन आर गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम ट्यूजडे टिल सैटरडे 7 PM शार्प. तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं. मैं पेपर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अभी अभी आपके रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम जो कि जून 2021 और दिसंबर 2020 में हुए थे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, जहां पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं बता रहा हूं, बट आई एम टेकिंग यू थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट्स. और बहुत ही डिटेल में हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अगर दोबारा पूछे जाएं एग्जाम में तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं. और मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट द कॉन्सेप्ट्स आर सर्टेनली गोइंग टू बी रिपीटेड बिकॉज द सिलेबस इज नॉट चेंजिंग, इट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं. इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप सेशन मिस कर देंगे. ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. और कोई भी आपकी क्वेरी हो, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड हो, नेट से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, आप सारे वो डाउट्स वहां पे पोस्ट कर सकते हैं एंड द फैकल्टी विल बी answering them as soon as possible. ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. आपको यही कहूंगा कि ये जो 5 questions है, they are very very important and we are going to discuss their concepts in detail. बहुत अच्छे से इन questions को पढ़िएगा एंड उसके बाद इनका जवाब दीजिएगा. एंड प्लीज फोकस करिएगा कि आप 100% conceptual clarity लेके जाएं. कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. आई एम सिटिंग टू रिजोल्व योर डाउट्स देयर. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस. तो जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है. ठीक है, सबसे पहले एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं. नल हाइपोथेसिस मैंने क्रिएट कर दिया है दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट इफेक्ट द डिसीजन मेकिंग. डज नॉट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं. ठीक है, तो डज नॉट इफेक्ट डिसीजन मेकिंग. Whereas, अगर मैं इसकी alternate hypothesis बनाऊं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, that is, personality does affect the decision making of an individual. ठीक है, तो ये हमने एक hypothetical null और alternate hypothesis बना लिया, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे जो भी आपने पहले पढ़ा है. अब जल्दी से स्टेप्स देख लेते हैं. सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, किस सिग्निफिकेंस लेवल पे आप टेस्ट करना चाहते हैं, 5%, 1%, 10% पे. सेटअप नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. स्टैब्लिश डिसीजन रूल. अब क्या होता है कि जब आप टेस्ट करते हैं, जब आप कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, तो आप क्या करते हैं, या तो आप पी वैल्यू के हिसाब से जा सकते हैं. ठीक है, कि आप पी वैल्यू को अपनी सिग्निफिकेंस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका रूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पी वैल्यू इज लेस देन योर सिग्निफिकेंस वैल्यू, जो भी आपने सिग्निफिकेंस वैल्यू ली है 5%, 1%, 10%, अगर ये कम आती है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इफ द पी वैल्यू इज लेस देन योर सिग्निफिकेंस वैल्यू, देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ठीक है, ये हमारी पी वैल्यू टेस्ट के बेसिस पे हो गया. और अगर आप नॉर्मली जो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, रॉ स्केल के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि आपको वैल्यू निकल के आती है, तो एक वैल्यू कैसे आती है, एक वैल्यू आपको मिलती है टेबल से. अगर आप जेड टेस्ट यूज कर रहे हैं तो आप जेड टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. टी टेस्ट यूज कर रहे हैं तो आप टी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एक आपको टेबल वैल्यू वहां से मिल जाएगी, और दूसरी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं. ठीक है, तो अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी टेबल से जो वैल्यू आई है, जो टेबल से आपने वैल्यू देखी होगी, उससे ज्यादा आती है, मतलब इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन योर टैबुलेटेड वैल्यू, टेबल से निकल के आती है, तो इनको हम टैबुलेटेड वैल्यू कह देते हैं.
then also you are going to reject the null hypothesis. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एक इस तरीके का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन जाता है, कर्व बन जाता है. यहां पे आप अपनी वैल्यूज डाल देते हैं, दिस इज योर टैबुलेटेड वैल्यू ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लेफ्ट टेल और राइट टेल पे. अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके आ रहे हैं ये इस रिजेक्शन रीजन में लाई करती है, तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. वेरी सिंपल, मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन, जहां पे आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सिलेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, भाई जेड टेस्ट यूज कर रहे हैं, टी टेस्ट यूज कर रहे हैं या फिर कोई और टेस्ट यूज कर रहे हैं. एंड लास्ट स्टेप दिया हुआ है आपको, ड्रॉ कंक्लूजन. ठीक है, तो आपको सारे स्टेप्स पता चल गए, मैंने आपको इन स्टेप्स का मतलब भी समझा दिया साथ साथ. अब आपका काम शुरू होता है, आपको मुझे बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होने वाली है. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर. मैं आपको बता दूं कि ए और बी स्टेप्स के बीच में मेजरली कंफ्यूजन है. तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो नहीं चुनते हैं, हम सबसे पहले नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं. तो दो ऑप्शंस मैंने एलिमिनेशन मेथड से ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि पहले दो स्टेप्स तो ठीक है, बट जो डिफरेंस आता है, यही यहाँ पे टाइम सेव करने का कमाल है, जो आपको स्मार्टली काम करना है ताकि आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सके. तो अब अगर आप यहां पे सी और ई ऑप्शंस को एक बार रीड करें, तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल, और ई ऑप्शन क्या कह रहा है, सिलेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. अब अभी मैंने आपको बताया कि डिसीजन रूल में आपको क्या करना होता है, जो भी आपने टेस्ट सिलेक्ट किया है, अगर आपने जेड टेस्ट सिलेक्ट किया है तो आपको जेड टेबल के अंदर वैल्यू देखनी है, और अगर आपने टी टेस्ट सिलेक्ट किया है तो आपको टी टेस्ट टेबल के अंदर वैल्यू देखनी है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बिना टेस्ट सिलेक्ट किए हम डिसीजन रूल बना ही नहीं सकते. तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो पहला स्टेप निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड स्टेप, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. तो यहां पे हमने अपना टाइम भी सेव कर लिया और हमको जल्दी से यह पता भी चल गया दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो अब एक बार दोबारा से ऑर्डर को रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज गोइंग टू बी सेटअप द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा. सेकेंड, आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे 1%, 5%, 10% पे. देन आप क्या करने वाले हैं, देन आप अपना टेस्ट चूज करने वाले हैं कि भाई आप टी टेस्ट यूज करेंगे, जेड टेस्ट यूज करेंगे या फिर कुछ और. एक बार आपने टेस्ट यूज कर लिया तो आप अपनी टेबल्स में देख के वैल्यूज निकाल लेंगे. दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, दैट इज डिसीजन रूल सेटअप करना. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को ताकि आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल पाए, सो दैट यू कैन मेक अ कंपैरिजन. एंड देन योर लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द एलिमेंट ऑफ एफ, दैट इज ड्रॉ कंक्लूजन. ठीक है, तो आपने लास्ट में फाइनली कंपेयर करके कंक्लूजन निकाल देना है कि आपको रिजेक्ट करना है या फिर आपको डू नॉट रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर इंटायर सिक्स स्टेप प्रोसेस ऑफ योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट्स सी कौन इसका सही जवाब देता है. अ सर्टेन बाईवेरिएट डेटा BYX, BYX होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट 1, दैट इज y on x, ठीक है, y सीरीज ऑन x, देन वी हैव BXY, अनदर रिग्रेशन कोफिशिएंट, हैव बीन कैलकुलेटेड व्हिच इज इक्वल टू 2.4 एंड 0.4. तो हमारे पास दो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी गई है. दिस इज योर 2.4 एंड दिस वैल्यू इज 0.4. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. If the value of x series are all multiplied by 5 and the value of y series are all divided by 2, how would it affect the two coefficients? मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि एक सीरीज को मल्टीप्लाई किया गया है जो कि x सीरीज है और 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, y सीरीज को क्या किया गया है 2 से डिवाइड किया गया है. तो अब आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ टू कोफिशियंट कैसे चेंज होने वाली है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द सिंपल रीजन कि अगर आपको प्रॉपर्टीज पता भी हैं, ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी से. अब अगर आपको प्रॉपर्टीज पता भी हैं, आपने ऊपर ऊपर से देख लिया बट आपने उसको डीपली जाके कंप्यूट नहीं किया है कभी या फिर कंसेप्चुअली नहीं समझा है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके आंसर बताइए अगर आपको आंसर आ गया है. अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू वेरी स्लोली ताकि आप अच्छे से समझ पाए. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्योंकि हमें सीरीज आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन रिग्रेशन कोफिशिएंट को देख के ये पता चलना चाहिए कि कौन सी रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स सीरीज की बात हो रही है और कौन सी रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर वाई सीरीज की बात हो रही है. बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, फॉर द सिंपल रीजन. ठीक है, तो ये जो बी वाई एक्स है ये आपकी एक्स सीरीज है. ठीक है, सेकेंड वैल्यू को हम हमेशा कंसिडरेशन में लेते हैं, ये एज अ मैटर ऑफ रूल याद रख सकते हैं आप. ठीक है, फ्यूचर के लिए. और इस केस में सेकेंड वैल्यू वाई है तो ये हमारी वाई सीरीज. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी सीरीज x की है और कौन सी सीरीज y की. ठीक है,
और मुझे पता है कि 2.4 जो है वो BYX रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है, जिसको मैं एक बार लिख लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। BYX ये कौन सी सीरीज है, ये हमारी सीरीज है X, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 2.4। दूसरी हमारी सीरीज क्या है, BXY, जो कि हमारी Y सीरीज है बिकॉज हम सेकेंड वैल्यू कंसिडर करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 0.4। तो आपका पहला स्टेप हो गया, आपने अपनी सीरीज आइडेंटिफाई कर ली। आई होप आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं। अब सेकंड चीज पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज आर ऑल मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका मतलब ये वाली जो सीरीज है जिसकी वैल्यू 2.4 आई है, इसको क्या किया गया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, सिंपल पहली लाइन। तो अब आप यहां समझिए कि यहां में करना क्या होता है। जिस सीरीज को हमने मल्टीप्लाई किया, दोबारा बोल रहा हूं, जिस सीरीज को हमने मल्टीप्लाई किया है उसे हमें एक्चुअली डिवाइड करना होता है उसकी फाइनल रिग्रेशन वैल्यूज को। इसका मतलब अगर पूरी एक्स सीरीज को हमने मल्टीप्लाई किया था तो जो उसकी वैल्यू आई है, जो उसकी रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम सेम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी 5। ये पहला स्टेप हो गया हमारा आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सीरीज। और दूसरी रिग्रेशन कोफिशिएंट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड, तो दूसरी वाली जो सीरीज है जो कि आपकी वाई सीरीज है, इसकी रिग्रेशन कोफिशिएंट को, दैट इज 0.4 को आप क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो ये अपोजिट चलते हैं, जिस सीरीज को आपने मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड करना है एंड वाइस वर्सा। तो यहां क्या हो गया, हमारा पहला काम खत्म हो गया क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन वाला काम यहां पे कर लिया है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या दिया हुआ है कि जो वाई सीरीज है, दैट इज द सेकंड वन सीरीज, इसको क्या किया गया है, इसकी पूरी सीरीज को 2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करके अब बताना है कि वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जिस सीरीज को डिवाइड किया गया था, वाई सीरीज को डिवाइड किया गया यहां पे लिखा हुआ है, अब मैं वाई सीरीज को क्या करूंगा, वाई सीरीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और सिमिलरली जैसे हमने पुराने केस में किया था, दूसरी वाली सीरीज जो कि हमारी एक्स सीरीज है, इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं 2 से डिवाइड करने वाला हूं। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं मैं, जिस सीरीज को हमने मल्टीप्लाई किया था, दैट इज एक्स सीरीज को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो उसके रिग्रेशन कोफिशिएंट को हमने 5 से डिवाइड कर दिया और दूसरे वाले को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली वाई सीरीज के केस में जिसको 2 से डिवाइड किया गया था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अपोजिट सीरीज जो कि एक्स सीरीज थी उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये सिंपल रूल है, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दैट रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया जा रहा है तो इस तरीके से ये एक्ट होंगे, तो जहां मल्टीप्लाई किया वहां पर डिवाइड करना है एंड वाइस वर्सा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। ठीक है, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, 5 × 0.4 that will come out to be 2 multiplied by 2, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाली values को अगर हम solve कर देंगे, so it is going to come out to be 0.24। तो ये आपकी values आ जाने चाहिए, this should be your values। अब हम चल के options में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या options हैं, और अगर आपने चारों options पढ़ लिए हैं तो पहला और दूसरा तो नहीं हो सकता। आप probably C और D के अंदर confused हुए होंगे, क्योंकि अगर आपको ठीक से नहीं पता होगा, but the correct answer is going to be C। तो ये हमारी values calculate होके आ गए। मुझे पता है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लंबा स्टेप है, बट यही स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप सिस्टमैटिकली कर पाएंगे। सिंपल सा बेसिक रूल है, दोबारा समराइज कर देता हूं, जिस सीरीज को मल्टीप्लाई की है वैल्यू से उसकी रिग्रेशन कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे एंड वाइस वर्सा, जिस सीरीज की को पूरा का पूरा डिवाइड किया है उसकी रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वाइस वर्सा। बस यही करना है हमें और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। सो द आंसर इज गोइंग टू बी सी। आई होप आपने यही आंसर किया होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इजियर क्वेश्चन, दो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए हमारे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आई होप आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, एक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें जो आपका आउटकम होता है दैट ओनली हैज टू वैल्यूज। दो तरीके के आउटकम होते हैं जिनको आप सक्सेस और फेलियर से डिनोट कर देते हैं, दैट इज हाउ यू डिनोट इट। ठीक है, और यही दोनों आउटकम में से एक आउटकम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ है विच इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्यू दिया हुआ है जिसको हम जनरली फेलियर कहते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी से हम सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी फॉर्मूला देखा था, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट्स प्लीज फॉर्मूलेस देख के जाइए, बिकॉज इसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप मीन और वेरियंस झट से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हमारे सामने चार ऑप्शन गिवेन है, 21 √6/3, 9 √6/3, 9 6.3 एंड 21 6.3। तो हमें बेसिकली मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अगर आपको आंसर आ गया जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए,
तब तक मैं आपको जल्दी से एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं फॉर कंप्यूटिंग योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस वैल्यू। तो अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, तो आपको क्या करना है एन इंटू पी, ठीक है। अब एन आपको पता है, क्यू आपको पता है, टोटल वैल्यू 1 होती है, आप पी कैलकुलेट कर लीजिए जो कि आ जाएगा 0.3, ठीक है। वेरिएंस कैलकुलेट करना है एन इंटू पी इंटू क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसी फॉर्मूले के अंदर सिर्फ अंडर रूट लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है, आप जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। एन की वैल्यू 30 है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9, तो हमें पहली वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो पूछा नहीं हुआ है, वेरिएंस पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 30 इंटू 0.3 इंटू 0.7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर एंड द आंसर वुड कम आउट टू बी 6.3 इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 3rd, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं किया, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। इसी तरीके से पॉइजन का भी फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसी तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं देख पा रहा हूं कि काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे एक अजर्शन गिवन है और एक रीजनिंग गिवन है। अजर्शन क्या गिवन है, मीन डेविएशन जो कि एक तरीके का डिस्पर्शन है इज अबाउट 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको पहला अजर्शन गिवन है। रीजन क्या गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर आपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इन तीनों मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बीच में हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं जो ऑलरेडी डिराइव मैथमेटिकल प्रूवन रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है तो ये क्वेश्चन आपकी चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, ठीक है। नहीं पता है, यू गोना टेक टाइम, यू गोना गेट फिक्स्ड अप हियर, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, तब तक मैं आपको ये रिलेशनशिप रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्या तरीका है याद भी रखने के लिए और फ्यूचर में ताकि आप भूले भी नहीं, इस तरीके से बहुत सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन लिख दीजिए, उनके आगे वैल्यूज रख दीजिए 4, 5 और 6 ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। अब सपोज करिए मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई जो मेरी मीन डेविएशन की वैल्यू है, अगर मुझे मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मीन डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी इट इज गोइंग टू बी 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 5 को यहाँ पे लेके आ गया हूं मैं, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो मीन डेविएशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट कम्स आउट टू बी 80%, ठीक है। पहली चीज पता चल गई। सिमिलरली अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन चेक करना, इफ आई हैव टू चेक क्वार्टाइल डेविएशन, तो सिमिलरली मैं दोबारा से घुमा देता हूं इसको, सिर्फ एक्सचेंज कर रहा हूं यहां पे, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 4/6 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो क्या आएगा विच इज विल कम आउट टू बी 2/3, ठीक है। तो 2/3 मेरी वैल्यू निकल के आ गई फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ साथ परसेंटेज में भी डिराइव कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी रिलेशनशिप। इसी तरीके से आप और भी रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं बिटवीन मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड सो ऑन, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया 4, 5, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये रिलेशनशिप ऑलरेडी मैथमेटिकली प्रूवन है, उसकी डेरिवेशन आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये रिलेशनशिप पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चंस और दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी हमने देख लिया दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हमने अभी अभी चेक कर लिया, अभी अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट ये कोई रीजन तो नहीं है इसका, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 2nd, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप देखिए कि सिर्फ आपको ये रिलेशनशिप पता होनी जरूरी थी और आपको ये क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी कितने भी छोटा आइटम लगे, कितना भी छोटा कंसेप्ट लगे, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, बिकॉज वॉट NTA इज डूइंग इट इज कन्वर्टिंग दीज कंसेप्ट इंटू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रिलेशनशिप को इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड का क्या मतलब होता है, इट्स नॉट सिमेट्रिकल, मतलब इक्वली नहीं डिवाइडेड है। जनरली सिमेट्री अगर होती है तो ये बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होते हैं दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, बेल शेप कर्व के दोनों साइड्स, लेफ्ट और राइट। अगर वो स्क्यूड है तो इसका मतलब या तो वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होगा या तो वो राइट साइड टिल्टेड होगा,
लेफ्ट टेल या राइट टेल भी कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर सिचुएशन पॉजिटिवली स्क्यूड की डिस्ट्रीब्यूशन की है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होने वाला है। आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है, मैंने पहले भी डायग्राम सिखाया हुआ है आपको लाइव सेशन के अंदर, कोर्स में भी अगर आपको वो डायग्राम याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, जस्ट अपोजिट मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, सी Q3 जो कि थर्ड क्वार्टाइल होती है, माइनस मीडियन इज लेस देन मीडियन माइनस Q1 विच इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 माइनस मीडियन इज ग्रेटर देन मीडियन माइनस Q1। तो बेसिकली हम दो क्वार्टाइल्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा होगा, एंड लास्ट वन इज मीन मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता, मतलब जहां पे स्क्यूनेस जीरो होती, कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती, अगर सिमेट्रिकल कर्व होता हमारे पास, उस सिचुएशन में मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाते हैं। तो ई ऑप्शन को तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। तो अगर ई ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप भूल गए हैं, तो आपको जल्दी से डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेन डायग्राम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, नो स्क्यूनेस, लेफ्ट और राइट जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे से मिलते हैं, मीन मीडियन एंड मोड इक्वल हो जाता है, एंड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर, बोथ द साइड्स ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड को हम राइट टेल्ड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, राइट टेल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये राइट की साइड एक्सटेंडेड होती है इसकी टेल। और इस सिचुएशन में क्या होता है, मीन इज ग्रेटर देन योर मीडियन एंड द मीडियन इज ग्रेटर देन द मोड, ठीक है, ये एलिमेंट होता है हमारा। और अगर नेगेटिवली है, या फिर जिसको हम लेफ्ट टेल्ड कहते हैं, बिकॉज ये लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होती है इसकी टेल, इस सिचुएशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मोड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द मीडियन एंड मीडियन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन मीन। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस सिर्फ लगाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम राइट टेल के बारे में बात कर रहे हैं तो जो Q1 होगा वो इस साइड आएगा मीडियन के, और जो Q3 होगी वैल्यू वो इस साइड आएगी, ठीक है। अब लॉजिकली दिमाग लगाइए कि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में मीन की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज मीडियन के राइट साइड में है, ठीक है, जो कि मीन वाली साइड है, उस साइड पे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब Q3 की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर। ये आपको पता चल गया, बेसिक कॉमन सेंस लगाया मैंने यहाँ पे कि Q3 की वैल्यू जो है वो Q1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड टेस्ट, नाउ लेट्स गो बैक, अब हम दोबारा चलते हैं और अब देखते हैं क्या वैल्यूज हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि भाई पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ए स्टेटमेंट सही है, ए स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन गलत है। तो आपने बी एलिमिनेट कर दिया, आपने ई एलिमिनेट कर दिया। अब जो आपका मेजर चक्कर फंसता है या जो मेजर कंफ्यूजन है वो है बिटवीन ऑप्शन वन एंड सेकंड। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो Q3 की वैल्यू होगी, क्योंकि Q3 पॉजिटिवली स्क्यूड की सिचुएशन में मीन की साइड पे आ रहा है, तो जो उसकी वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द Q1 रिलेटेड वैल्यू। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज Q3 माइनस मीडियन शुड बी ग्रेटर देन मीडियन माइनस Q1, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में दैट इज गोइंग टू बी 1 A and T। तो अगर आपको ये पॉजिटिवली स्क्यूड का कंसेप्ट पता है तो आप इन क्वेश्चन को झट से कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, कितने भी रट्टे लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज रट लीजिए, एलिमेंट्स रट लीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में क्या हो सकता था, हो सकता है कि आपको मीन मीडियन मोड के बारे में पता होता, हो सकता है कि आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली के बारे में पता होता, बट अगर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि Q3 किस साइड आता है, अगर Q3 वाला एलिमेंट आप नहीं सॉल्व कर पाते तो आप इन दोनों ऑप्शंस के बीच में डाउटफुल हो सकते थे, और इसके बीच में आपको गैस वर्क या फिर तुक्के मानने पड़ते और वहीं पे गलती हो सकती थी। देयर वाज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी 50-50%, हो सकता है कि आप 1 सिलेक्ट करते, हो सकता है आप 2 सिलेक्ट करते। तो हमें गैस वर्क नहीं करना है, एट लास्ट अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब ऑफकोर्स आप गैस वर्क कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप उसके बेसिस पे हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। दो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, दो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग था, बट स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी। तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नया सीखा, आपकी थोड़ी सी भी मदद हो रही है, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। नाउ वी आर गोइंग टू मीट टुमारो विद सम अमेजिंग क्वेश्चन, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।